दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास आईईसी कोड होना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से आईईसी कोड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड प्राप्त करने के लिए हमें DGFT की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट में आने के बाद होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हमको अप्लाई फॉर IEC में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको अपनी कैटेगरी चूज करना है कि आप क्या हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, टेक्निकल अथॉरिटी हैं, फॉरेन इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, EPC, आपके लिए जो भी सुटेबल है। अभी हम एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि रजिस्टर हियर इफ यू आर एन इंडियन इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड विश टू अप्लाई पब्लिक लिंक इन IEC। तो हम इंडियन हैं, उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डाल देंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे हम अपना पिन नंबर डाल देंगे। पिन कोड डालते ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिटी यहाँ पे आपको डाल देना है, उसके बाद कैप्चा यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेंड OTP में क्लिक करना है। OTP हमारे मोबाइल और ईमेल दोनों में भेज दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 14 मिनट का टाइम है लगभग, तो उसके अंदर हमको यहाँ पर OTP डालना है। तो इस प्रकार से हमने दोनों OTP डाल दिया है, उसके बाद रजिस्टर में क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, यूजर हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज रिफर योर रजिस्टर मेल आईडी फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमको एक यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। तो आप अपने ईमेल से उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल कर देंगे। आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाने के बाद हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो यूजर नेम आपका मेल आईडी ही होता है, तो यहाँ पे हम अपना मेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड, जो भी टेम्परेरी पासवर्ड आपको आया है वो डाल देंगे। अब आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। मेल में आया हुआ पासवर्ड टेम्परेरी होता है, तो यहाँ पे लॉगिन करते ही आपको एक नया पासवर्ड सेट करना होगा। तो सबसे ऊपर हम अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देंगे जो मेल में आया था। उसके बाद अपने एक इच्छा अनुसार इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 8 कैरेक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लेंगे। देखिए अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो इस प्रकार से ग्रीन आ जाएगा कि आपका पासवर्ड एक्सेप्टेड है। कंफर्म करके हम सबमिट करेंगे। ओके, इस प्रकार से मैसेज आएगा कि पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। पासवर्ड चेंज हो जाने के बाद हम दोबारा लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करते ही हमें इस प्रकार से होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि लिंक योर एग्जिस्टिंग IEC और अप्लाई फॉर न्यू IEC टू अवेल फर्दर सर्विसेज। तो अगर आपका पुराना कोई IEC है तो उसको आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, और अभी हमको तो नया IEC अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई IEC, लिंक IEC। तो अभी हमको नया अप्लाई करना है, तो इस ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करीब 6 स्टेप हमको कंप्लीट करना है। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर डिटेल ऑफ प्रोपराइटर पार्टनर डायरेक्टर, फिर बैंक इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद अदर डिटेल जो भी है, उसके बाद डिक्लेरेशन, फिर एप्लीकेशन समरी। तो ये सारे स्टेप हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम अपना बेसिक डिटेल यहाँ पे भर देते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कंसर्न फर्म आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी जो कंपनी है वो किस प्रकार की है। प्रोपराइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ट्रस्ट है, HUF है, वन पर्सन अदर, जो भी आपकी कंपनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हमारी प्रोपराइटरशिप में है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फर्म का नाम डाल देना है। इस प्रकार से फर्म का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पैन नंबर डालेंगे। प्रोपराइटरशिप में है तो आप अपना डाल दीजिए, पार्टनरशिप या कंपनी है तो आप कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नेम एज पर पैन डेटाबेस, तो जो आपके पैन कार्ड में नाम लिखा है वो नाम एज इट इज यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, ऑब्लिक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर इंडिविजुअल का केस है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी कब बनी थी वो डेट ऑफ
आपको यहाँ पर डाल देना है। अब ऊपर की डिटेल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी आप एक्सपोर्ट्स आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार का एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनमें से अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आप अदर चूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में हम सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नॉट। तो यस नो में आपको टिक करना है। अगर आप एसईजेड के अंदर हैं तो आप यस कर दीजिए, बाहर हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो ईओयू स्कीम के अंतर्गत है या नहीं है। तो अगर है तो यस कर दीजिए और नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के केस में आप अपना यहाँ पे सिन नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप जीएसटी नंबर अपने फर्म का यहाँ पे डाल दीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जीएसटी नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप आईसी अप्लाई करने के पहले जीएसटी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट दिया हुआ है, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन फॉर गिवन एंटिटी। दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट एचयूएफ अदर। तो अगर इनमें से आपकी कोई कैटेगरी है आपके फर्म की तो आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप फर्म का यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। फर्म का एड्रेस आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो एड्रेस आपको सही सही लिख देना है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, उसके बाद पिन कोड आप लिख देंगे, यहाँ पर सिटी लिख देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जुरिसडिक्शन जीडीएफटी का जो रीजनल ऑफिस होता है कौन सा आपका आएगा वो सेलेक्ट करना है। जैसे ही हमने सारा डिटेल डाल देंगे जो डीजीएफटी का आरए है रीजनल ऑफिस वो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आप इधर देख सकते हैं, आप सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, रील डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, लैंडलाइन, एमओयू, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। अगर प्रोप्राइटरशिप में है तो आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी भी लगा सकते हैं। अगर एड्रेस प्रूफ आपके नाम से नहीं है जहाँ पे आप अपना ऑफिस चला रहे हैं तो आप जो ऑनर है उससे आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आप पीडीएफ उसका बना के 5 MB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ब्रांच डिटेल आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी ब्रांच है पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ आपने ऑफिस खोल रखी है उन सारी ब्रांच की डिटेल आप यहाँ पे डाल के और एड करते जाएंगे। आप एक से अधिक ब्रांच आराम से एड कर सकते हैं, क्वेश्चन वही सेम यहाँ भी पूछे जाएंगे। तो सारा डिटेल डाल के हम एड करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो ब्रांच है एड। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर आपका सेव हो चुका है, यानी आपका जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी। तो जो भी कंपनी का मेन है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। अगर डायरेक्टर है तो यहाँ पे डीन नंबर आपका लगेगा। अगर डायरेक्टर फॉरेन का निवासी है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके पासपोर्ट की डिटेल, एड्रेस वगैरह आपको डालना पड़ेगा। तो अभी हमारे केस में प्रोप्राइटर का हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप नेम एज पर पैन डेटाबेस आप डाल देंगे। तो यहाँ पे नाम, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे हमको टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस है, मिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आपका ऑफिस एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है तो आप लिख सकते हैं। तो पिन कोड डालते ही पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये सारा डिटेल डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में फिर से आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमारी डिटेल सेव हो जाएगी। हम सेव एंड नेक्स्ट में फिर से क्लिक करेंगे। देखिए तीसरे स्टेप में हमको बैंक का अपने अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है कि आपका खाता कहाँ पे खुला हुआ है। तो सबसे पहले आप अकाउंट नंबर डाल देंगे, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। कंपनी के केस में या पार्टनरशिप फर्म के केस में आप फर्म का नाम डाल दीजिए। आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपका ये प्राइमरी अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ लगाना है। प्रूफ आप दो चीज दे सकते हैं, कैंसल्ड
चेक दे सकते हैं या आप बैंक सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोफार्मा इनवाइस इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको आप फिल करके और बैंक से यहाँ पे सिग्नेचर और सील लगवा के आप इसको भी लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो ये सारा डिटेल भर के हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अभी हम कैंसिल चेक इस प्रकार से अपलोड कर दिए हैं। यहाँ भी आप पीडीएफ फाइल 5 MB के अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे एड में क्लिक करेंगे। अब आपका बैंक का पूरा डिटेल इस प्रकार से एड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे आप, सेव और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप अदर डिटेल में आपको टिक करना है, आप क्या क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, अदर अगर आप करना चाहते हैं कुछ तो भी आप, तो हम यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर इंपोर्ट का ही बस बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट बस करते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको अब सेलेक्ट करना है कि हम क्या करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख लीजिए आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो वो आप टिक कर दीजिए। एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्विसेस एक दो डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक्सपोर्ट वाले यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का। आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स में करते हैं, अगर आपका कोई गुड्स है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, अदर कर दीजिए। उसके बाद सर्विस भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर भी टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का यहाँ पे डाल देंगे कि हम क्या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ये डिटेल डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आ चुका है। तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, कस्टम का एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज का है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, फेमा है, तो ये सारे आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस डाल देंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे सभी में राइट टिक बन गया है। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन की एक बार समरी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा आपका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने जो डिटेल फिल की है वो पूरा यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए क्या क्या आपने भरा है। अब देखिए यहाँ पे ₹500 एप्लीकेशन फीस आपकी लगेगी जो कि हमें पे करना है। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। देखिए प्रीव्यू करेंगे तो इस प्रकार से पूरा डिटेल हमको दिखाई देगा जो हमने भरा है। इस प्रकार से ये चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए मैसेज दिखाई दे रहा है कि एक बार आप साइन कर देंगे तो दोबारा आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ओके में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर से इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और आधार से भी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। पहले आधार का ऑप्शन नहीं होता था तो काफी प्रॉब्लम होती थी बहुत सारे लोगों का। तो आप दोनों ऑप्शन में जिसमें आप कंफर्ट हैं उससे आप यहाँ पे अपने फॉर्म को सिग्नेचर कर दीजिए। तो हम प्रोसीड में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल देंगे और OTP हमारे मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, जिसको डाल के हम वेरीफाई कर देंगे, सबमिट करेंगे, इस प्रकार से वैलिडेट होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, जो कि ₹500 का पेमेंट है। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे। अब जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके UPI का भी ऑप्शन है, पेमेंट आप कर दीजिए। पेमेंट कंप्लीट होगा और अपडेट हो जाएगा, हमको एक ईमेल भी आ जाएगा इस प्रकार से कि आपका जो पेमेंट है, आपकी जो IEC सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है, उसका PDF इस प्रकार से मेल पे भेज दिया जाता है, जिसको आप ओपन करके इस प्रकार से देख सकते हैं। आप लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस करने के लिए इस प्रकार से IEC आप घर बैठे बना सकते हैं। होप वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।